मुजफ्फरपुर जिले के सभी सम्मानित मतदाताओं को नमस्कार। आप अवगत हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत हम लोगों के जिले में 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होना है। मतदान चूंकि कोरोना के समय में हो रहा है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोरोना संक्रमण से बचाव की मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने की है। सबसे पहले एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो 1500 थी उसे घटाकर 1000 कर दिया गया है। मतदान केंद्र उनकी संख्या डेढ़ गुना कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले में पहले कुल 3225 मतदान केंद्र थे, वर्तमान में वो बढ़ करके 4694 हो गए हैं। मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक अर्थात कुल 11 घंटे का समय है। मात्र हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों में पारू, साहेबगंज और मीनापुर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूर्व की भांति मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक निर्धारित है। अतः मतदाता हमारे मतदान केंद्रों पर आकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आराम से मतदान कर सकते हैं। भीड़ भाड़ की संभावना बहुत कम है। दूसरा, प्रत्येक मतदाता जो हमारे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उनका हमारे हेल्थ कर्मियों के द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। हम लोग इसके लिए हेल्थ डेस्क प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगा रहे हैं। उनके हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाएगा और प्रत्येक मतदाता को एक हाथ का हैंड ग्लव्स भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो जिस हाथ से ईवीएम का बटन दबाएं उसमें पहन करके ईवीएम का बटन दबाएं, उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। प्रत्येक मतदान केंद्र को सैनिटाइज करने के लिए पूरे जिले में हम लोगों ने 370 टीम का गठन किया है। ये टीम हमारी एक दिन पहले मतदान की तिथि से मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करेगी, मतदान के दिन भी सैनिटाइज करेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर डस्टबिन भी हम लोग रख रहे हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट क्रिएट होगा, ग्लव्स या हमारे मास्क इत्यादि का, उसकी हैंडलिंग वो टीम करेगी। हमारे प्रत्येक मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो हैं उनको भी हम लोगों ने सुरक्षा किट दिया है, उसमें हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर उन्हें उपलब्ध कराया है। इस प्रकार आप डरे नहीं, सतर्क रहें, मास्क पहन करके आएं, फेस कवर करके आएं। मतदान केंद्र पर हम लोगों ने सारा इंतजाम किया है, आप निर्भीक होकर के मतदान करें। कोरोना से सुरक्षा भी, लोकतंत्र की रक्षा भी।